जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि आप अपने फ़ोन के नॉच को कैसे हाइड कर सकते हो। Xiaomi, Realme, Samsung किसी भी ब्रांड का फ़ोन आप यूज़ करते हो और वहाँ पर कोई नॉच हाइड का ऑप्शन अगर नहीं है तो फिर भी आप अपने नॉच को कैसे हाइड कर सकते हो, और इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको करना है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। बहुत तेज हो रहे हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में नॉच हाइट का कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब आपको कोई एप्लीकेशन ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई सेटिंग्स ही नहीं है नॉच हाइट करने। तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही सिक्योर जो आपके बैटरी मतलब बैकग्राउंड में रन करेगा तो बैटरी कंजप्शन बहुत ही कम होगा इस एप्लीकेशन को अगर आप यूज़ करोगे तो। और उसके अलावा इस एप्लीकेशन को बहुत ही आप मतलब आसानी से यूज़ कर सकते हो, ईजी टू यूज़ है ये एप्लीकेशन। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन का नाम क्या है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस एप्लीकेशन का नाम है नाचो नॉच। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसा नाम है, सुनने में थोड़ा फनी है, बट ये बहुत ही सिक्योर एप्लीकेशन है और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। और डाउनलोड करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारा सेटिंग्स है जिसके थ्रू आप अपने नॉच हाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं ज़्यादातर सेटिंग्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कौन सा सेटिंग्स क्या काम करता है, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो इस एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तब आपको पहले टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन मैंने मतलब रीड किया तो यहाँ पर उतना कुछ खास नहीं लिखा है। परमिशन के अंदर कोई भी मतलब स्टोरेज परमिशन, माइक परमिशन, कैमरा परमिशन ऐसा कोई परमिशन नहीं मांगता है। यहाँ पर आपको अलाउ इन टॉप ऐसे कुछ परमिशन है जिसको अलाउ करना होता है। इससे आपका प्राइवेसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्री करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को फिर से ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर हाइड नॉच का ऑप्शन है। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तब आप नया पेज पर चले जाओगे जहां पर आपको अलाउ करना होगा ओवरले का, मतलब इस एप्लीकेशन को यहां पर इनेबल कर देना है उस परमिशन के अंदर। और इनेबल करने के बाद आप जब इस ऑप्शन हाइड नॉच को इनेबल करोगे तो आप यहां पर देख सकते हो क्लियरली ऊपर जो नॉच है वो पूरा ब्लैक हो चुका है, मतलब हाइड टाइप का ही हो चुका है। बट ये देखने में उतना खास नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर नहीं है। तो आप इस हाइड नॉच को कैसे कस्टमाइज कर सकते हो इसका भी एक ऑप्शन है। इसके लिए आपको जाना है थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कस्टमाइजेशन का, और इसी के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है ब्लैकआउट नेविगेशन बार। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर दोगे तो जो आपका नेविगेशन बार है जिसे आप मतलब होम बटन्स, बैक बटन, रिसेंट बटन जहाँ पर है उस बार को आप ब्लैक कर सकते हो पूरा। और आप यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ तो ये ब्लैक भी हो रहा है। और उसके अलावा इसके नीचे एक ऑप्शन है राउंडेड कॉर्नर ऑन टॉप, मतलब ऊपर जो नॉच को हाइड किया है जो ब्लैक स्ट्रिप है उस पर राउंडेड कॉर्नर जैसा आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर इनेबल कर दूंगा। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है राउंडेड कॉर्नर ऑन बॉटम, मतलब इस ऑप्शन के थ्रू आप अगर ब्लैकआउट कर देते हो नीचे जो नेविगेशन बार है उसको, तो वहाँ पर भी राउंडेड कॉर्नर आप ऐड कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। और उसके अलावा नीचे डायमेंशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर आप स्टेटस बार और नेविगेशन बार का हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, तो आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन का डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है। सबसे पहले मैं बात करूँगा एडवांटेज के बारे में, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने मोबाइल में अपने नॉच को हाइड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना होगा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और इसमें उतना परमिशन को अलाउ भी करना नहीं होता है। और चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो इस एप्लीकेशन को इनेबल करने के बाद जब आप नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करने जाओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ये काम नहीं करता है, मतलब नॉच हाइड नहीं होता है। उसके अलावा अगर आप सेटिंग्स ओपन करोगे तो उसके अंदर भी ये काम नहीं करता। मैंने जो नोटिस किया यही दो जगह है जहाँ पर ये काम नहीं कर रहा था। उसके अलावा जो भी एप्लीकेशन है यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो सभी जगह पर ये काम कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके अलावा जब आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करोगे उसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होता है, रीस्टार्ट करने के बाद आपको मैनुअली इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यही कुछ डिसएडवांटेज लगा मुझे इस एप्लीकेशन का। तो आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और यूज़ करके देखो कितना यूज़फुल है, और जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो।